सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयुक्त का चयन अब केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिलकर करेंगे। यही बात जजों की नियुक्ति के संदर्भ में मोदी सरकार कर रही है, तो मिलोर्ड इसे मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कोलेजियम सिस्टम द्वारा लोकतंत्र को हाईजैक करने जैसा है। एक तरफ तो आप कोलेजियम सिस्टम में केंद्र सरकार और नेता विपक्ष को शामिल करने से मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ चाहते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से चुने गए जज करें। जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए कहा है कि हम घोषणा करते हैं कि जहां तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के पदों की नियुक्ति की बात है, तो यह भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, ऐसा कोई नेता ना होने की स्थिति में लोकसभा में संख्या के लिहाज से विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश वाली समिति की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से की जाएगी। जब तक कि संसद चयन सेवा की शर्तों और कार्यकाल के लिए मानदंड तय करने वाला कानून नहीं बनाती। पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सिटी रवि कुमार भी शामिल थे। जस्टिस रस्तोगी ने कहा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, कराने के लिए चुनाव आयोग के कार्यालय की तटस्थता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के महत्व को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सुरक्षा और इसका कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना आवश्यक हो जाता है। यह समय की जरूरत है और मेरे विचार में मुख्य चुनाव आयुक्तों को उपलब्ध सुरक्षा का विस्तार और अन्य चुनाव आयुक्तों तक करना उचित है, जब तक कि संसद द्वारा कोई कानून तैयार नहीं किया जाता। बार एंड बेंच के मुताबिक पीठ ने कहा, अनुच्छेद 324 की एक अनूठी पृष्ठभूमि है। कई दशक बीत गए, विभिन्न राजनीतिक दलों ने कोई कानून पेश नहीं किया। पीठ ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था का स्थायीकरण कोई कानून नहीं हो सकता। कार्यपालिका का नियुक्तियों में पूर्ण अधिकार है, एक कमी है जिसकी ओर याचिकाकर्ताओं ने इंगित किया है। कानून न लाने के पीछे राजनीतिक दलों के पास कारण होगा जो देखने में स्पष्ट है। सत्ता में मौजूद पार्टी की एक गुलाम आयोग के माध्यम से सत्ता में बने रहने की अतृप्त इच्छा होगी।